नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, उसका जो रिलेटेड एमसीक्यू जो बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यू इस वीडियो में है, लगभग सारे इम्पोर्टेंट है कह सकती। कोई अगर आप सीटेट के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करे हो, या DESSP, EMRS, UPTET, RET और OTT, OSTT, स्टेट लेवल टीचिंग लेवल का एग्जाम जो होते हैं, कोई भी एग्जाम के लिए विच इज रिलेटेड टू टीचिंग जॉब्स एंड एनईटी, इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। एक अमलगमेशन है जो कि इम्पोर्टेंट एमसीपी के कंसेप्ट वाइज सारे एमसीक्यू रिलेटेड, सीवीटी रिलेटेड क्वेश्चन ही कह सकती हो, इट्स ए मॉडल क्वेश्चन पेपर। सो गाइज लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। वेलकम बैक टू माई चैनल इन न्यू होप, लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो वेरी शून। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कॉमन सोर्स ऑफ फिजिकल डिस्कम्फर्ट फॉर द चिल्ड्रेन इज व्हाट। जो फिजिकल डिस्कम्फर्ट होते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में बहुत सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दिया गया है, जैसे कि कॉमन सोर्स ऑफ फिजिकल डिस्कम्फर्ट, जो कॉर्पोरल पनिशमेंट होते हैं, जैसे कि पहले से स्कूल में हमारा 2005 के जो प्रीवियस ईयर हो गया है, अगर हम कहें बच्चों को पनिशमेंट देते हैं, जैसे कि लाठी में बाड़ाना और मारना, नेल डाउन कर देना, और भी बहुत सारे बेंच के ऊपर खड़े हो जाना, बहुत सारे कॉर्पोरल पनिशमेंट होता है, उसके बाद भी बहुत सारे पनिशमेंट दिया गया था। लेकिन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के बाद वो जो कॉर्पोरल पनिशमेंट होते हैं और भी बहुत सारे चीज़ों को घटा दिया गया है। वो क्यों? क्योंकि बच्चों को इतना दबाव में ना रखे फिजिकली एंड मेंटली। यहाँ पर चार ऑप्शन से, तीन ऑप्शन से आपको बताना है व्हिच आर द कॉमन सोर्स ऑफ फिजिकल डिस्कम्फर्ट, फिजिकल डिस्कम्फर्ट का कॉमन सोर्स क्या है। ऑप्शन ए, लॉन्ग डिस्टेंस टू स्कूल, स्कूल में जो डिस्टेंस होते हैं, जैसे कि एक बच्चे के पास साइकिल नहीं होते, गाड़ी नहीं होते, स्कूल प्राइमरी स्कूल जो होते हैं वो 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर से दूरी में है, कैसे जाएं वहाँ पर, ठीक है, वॉक में जाते हैं, उनको बहुत टाइम लग जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं वो कैसे जाएं, वो एक फिजिकल डिस्कम्फर्ट है। तो इसीलिए 5 किलोमीटर रेडिएशन में आपकी स्कूल होने चाहिए या नहीं, वो जो डिस्टेंस है स्कूल का वो इम्पोर्टेंट है। और ऑप्शन बी में कॉर्पोरल पनिशमेंट या पनिशमेंट, जो फिजिकल पनिशमेंट देते हैं वो फिजिकल डिस्कम्फर्ट की सोर्स है। ऑप्शन नंबर सी में हैवी वेट स्कूल बैग, जो कि अभी हमारे आप सुने होंगे बहुत बार, जो स्कूल बैग की वजन है वो वजन इतने कितने हो सकते, 2 kg, 3 kg, 5 kg, आप देखोगे बच्चों के वजन से ज़्यादा स्कूल के बैग के वजन हो जाते हैं, क्योंकि नोटबुक लेते हैं, बुक्स लेते हैं, कॉपी लेते हैं, और बहुत सारी इक्विपमेंट जैसे कि स्टडी मटेरियल्स लेते हैं, पेन, वाटर बॉटल, टिफिन, बहुत सारी चीज़ उनको मिलाकर 5-7 kg से ज़्यादा हो जाती है। तो वो बैग का जो वेट होते हैं अगर हैवी हो जाए वो एक फिजिकल डिस्कम्फर्ट हो सकती है, या ऑप्शन जो तीनों में है वो चार, ऑप्शन नंबर डी में ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है क्या फिजिकल सोर्स है डिस्कम्फर्ट बच्चे की। अगर हम देखें लॉन्ग डिस्टेंस स्कूल एक फिजिकल कम्फर्ट है, जाने आने के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे जाते हैं आकर थकान हो जाती है, पढ़ाई नहीं कर पाते है, वो चीज़ है। पनिशमेंट, कॉर्पोरल पनिशमेंट इटसेल्फ है वेरी बिगेस्ट फिजिकल डिस्कम्फर्ट है, हैवी वेट ऑफ स्कूल बैग तो है वो चीज़ आप एनसीपी 2005 के दौरान। तो हमारा जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव, जो कॉमन सोर्स ऑफ फिजिकल डिस्कम्फर्ट है वो लॉन्ग डिस्टेंस है, कॉर्पोरल पनिशमेंट या पनिशमेंट है, हैवी वेट बैग है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर टू, द रोल ऑफ टीचर एज पर एनसीएफ 2005 इज व्हाट। एनसीएफ के जो कंसेप्चुअल क्लैरिफिकेशन मेरा चैनल पे है, आप प्लेलिस्ट एजुकेशन प्लेलिस्ट में जाकर वो देख सकती हो, मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में भी वो दे दूंगी, प्लीज टू वॉच एनसीएफ, आपको पूरी तरह जानकारी आ जाएंगी कि एनसीएफ है क्या, क्यों इम्पोर्टेंट है एनसीएफ हमारे लिए। द रोल ऑफ टीचर एज पर एनसीएफ 2005 इजे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार एक टीचर, शिक्षक का रोल कैसा है, भूमिका क्या है, बॉस के तरह उसका रोल है, जो कि एक बॉस के तरह हम सब कमांड देते हैं, लीडर तरह है जो कि हम उनको फॉलो करते हैं, फैसिलिटेटर तरह है जो कि हम खुद काम करें, वो थोड़ा बहुत हमको फैसिलिटेट करे या सहयोग करे,
या ऑल ऑफ द अबव, ये चारों में ऊपर तीन सही है। तो यहाँ पर जो एनसीएफ के अनुसार एक टीचर के रोल है, एक चिल्ड्रन सेंट्रिक काम करते हैं एनसीएफ 2005 के जो करिकुलम फ्रेमवर्क है, वो वहाँ पर टीचर से ज़्यादा चिल्ड्रन को या लर्नर्स को फोकस करा जाता है। तो यहाँ पर जो बॉस है वो गलत है, जो लीडर है वो भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, टीचर रोल इज लाइक ए फैसिलिटेटर। सो ऑप्शन नंबर टू इज़ द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर थ्री, सेवरल स्टडीज हैव शोन दैट बाइलिंगुअल प्रोफिशिएंसी रेज द लेवल ऑफ, बहुत सारी स्टडी हुआ है जहाँ पर कि जो बाइलिंगुअल प्रोफिशिएंसी, जैसे कि आपके मदर टंग हो और नेशनल लैंग्वेज कोई भी हिंदी हो या आपके इंग्लिश ले सकते हो इंटरनेशनल लैंग्वेज, एक बाइलिंगुअल प्रोफिशिएंसी अगर है तो वो दिखाया गया है कि प्रोफिशिएंसी रेज द लेवल ऑफ, किसका लेवल वो और भी ज़्यादा बढ़ाती है, जैसे कि कॉग्निटिव ग्रोथ, सोशल टॉलरेंस, डाइवर्सिफाइड थिंकिंग एंड ऑल ऑफ द अबव। अगर हम बाइलिंगुअल एक ही लैंग्वेज सिर्फ जाने, जैसे कि हमारा मदर टंग, मेरा मदर टंग ओडिया है, सिर्फ मैंने ओडिया जाने उसके हिसाब से मैंने बातचीत करी, तो इट विल बी गोइंग टू बी डिफिकल्ट कि मुझे और दूसरे के साथ बात करने में तकलीफ हो जाए, जैसे जो कि हिंदी स्पीकिंग वाले हैं या इंग्लिश जानते हो वो उन लोगों के साथ। तो एक ही लैंग्वेज जानना, यूनिलिंगुअल हो या बाइलिंगुअल या मल्टीलिंगुअल, मल्टीलिंगुअल तो बहुत अच्छा है, वो एक कॉग्निटिव लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है, लेकिन बाइलिंगुअल जो है वो भी हमको जो प्रोफिशिएंसी रेज करती है ग्रोथ की, जो है कॉग्निटिव ग्रोथ को भी, सोशल टॉलरेंस को भी, डाइवर्सिफाइड थिंकिंग को भी। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, जो हमारा बाइलिंगुअल प्रोफिशिएंसी है वो सारे चीज़ को हमारी बढ़ाते हैं, जैसे कि कॉग्निटिव ग्रोथ का हो, सोशल टॉलरेंस का हो, डाइवर्सिफाइड थिंकिंग का हो। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर फोर, एज पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज द क्रिएशन ऑफ व्हाट। जो हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में इंग्लिश को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, जैसे कि इंग्लिश को पढ़ाए सेकेंडरी लेवल में या पोस्ट प्राइमरी लेवल में एंड हायर सेकेंडरी लेवल में, उसी के हिसाब से हम इंग्लिश को क्यों ज़्यादा ध्यान देते कि उसका रिजल्ट क्या होगी अगर हम इंग्लिश टीचिंग को फोकस दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए में है बाइलिंगुअलिज्म के लिए हम इंग्लिश को फोकस कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी में है मल्टीलिंगुअलिज्म के लिए क्रिएशन करते हैं ये चीज, ऑप्शन नंबर डी में है डोमिनेंट लैंग्वेज है इसीलिए एक डोमिनेंस क्रिएट करती है, और ऑप्शन नंबर डी में है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमको डाइवर्सिटी में, जैसे कि इंडिया एक मल्टीलिंगुअल स्टेट है, मल्टी कल्चरल स्टेट है, मल्टी रिलीजियस स्टेट है, मल्टी एथनिक स्टेट है, कंट्री है, तो इसीलिए हम एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी लाने के लिए करते हैं। लेकिन जो एनसीएफ के अनुसार वो चीज़ है वो क्या चीज़ है, एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश टीचिंग का जो लक्ष्य या उद्देश्य है वो है क्या, क्रिएशन ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जो कि जैसे कि देखो डोमिनेंस लैंग्वेज है इंडिया में, बहुत सारे लैंग्वेज भी है, तेलुगु कह सकते हो, हिंदी कह सकते हो, इंग्लिश स्पीकिंग स्टेट भी है, यहाँ पर अपनी खुद का ओन स्टेट की लैंग्वेज है, जैसे कि आंध्र प्रदेश की तेलुगु हो, तमिलनाडु के तमिल हो, महाराष्ट्र के मराठी हो, दिल्ली में हिंदी स्पीकिंग लोगों होते हैं, केरला में होते इंग्लिश स्पीकिंग कुछ भी लोग होते हैं, उड़ीसा में उड़िया स्पीकिंग लोग, तो वो मल्टीलिंगुअल स्टेट है। तो इंग्लिश जो होते हैं वो कनेक्ट गैप कनेक्ट करती है सारी लैंग्वेज की, हिंदी इंग्लिश एंड उनका मदर टंग जो कि थ्री लैंग्वेज पर बोला में होते, तो उसका एम है मल्टीलिंगुअलिज्म। जो चीज़ है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही सही आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर फाइव, द पर्पज ऑफ इवैल्यूएशन इज फॉर व्हाट, हम जो इवैल्यूएशन करते हैं, जैसे कि हमने इवैल्यूएशन पार्ट में देखे टू टाइप्स का इवैल्यूएशन होते हैं, बहुत सारे टाइप, उसमें टू टाइप फॉर्मेटिव एंड सबमिटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या है एंड सबमिटिव इवैल्यूएशन क्या है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन वो होते हैं जो उस दौरान हम देखें, करिकुलम के दौरान हम देखें उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन सबमिटिव क्या है वो एंड में ही होता है, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हो या सबमिटिव इवैल्यूएशन हो, किस लिए हम वो चीज़ करते हैं, उसका प्रोपोज क्या है। ऑप्शन नंबर ए में है टू एनकरेज ग्रेडेशन, उनको बच्चे को लर्नर्स को ग्रेडेड ग्रेड सिस्टम में रखना है इसीलिए हम इवैल्यूएशन करते हैं। टू नो हु स्लो हु आर स्लो लर्नर्स आर हु स्लो लर्नर्स आर, हम जाने कि कम पढ़ाई में किसका ध्यान कम है, कम
कौन से बच्चे कम पढ़ते हैं, दोज हु आर वेरी स्लो टू लर्न, और ऑप्शन नंबर सी में है टू आइडेंटिफाई चाइल्ड हु नीड हेल्प फॉर ग्रोथ, वो चाइल्ड को हम आइडेंटिफाई करें किसका प्रॉब्लम है वो, जैसे कि टीचर्स का स्पेशल नीड्स चाहिए उनको बढ़ने के लिए, या ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर जो एनसीएफ के अनुसार जो प्रपोज ऑफ इवैल्यूएशन है वो है ऑप्शन नंबर सी सही, क्योंकि हमको आइडेंटिफाई करना है इवैल्यूएशन के द्वारा कौन से बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, कौन से बच्चे सीख नहीं पाते, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, कंसेप्ट को ग्रास्प नहीं कर पाते, उनको स्पेशल नीड चाहिए टीचर्स के लिए, टीचर्स से, क्योंकि वो ग्रोथ करने चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द प्रपोज ऑफ इवैल्यूएशन। देन क्वेश्चन नंबर सिक्स, MLL अप्रोच। अब बहुत सारे अप्रोच है एनसीएफ के दौरान, बहुत सारे न्यू कंसेप्ट को इनकलकेट किया गया है कि किस अप्रोच में पढ़ाए बच्चों को, इवैल्यूएशन का प्रपोज क्या हो सकती है, लैंग्वेज का प्रपोज कैसे हो सकती है, टीचिंग लर्निंग मेथड्स क्या हो सकती है। तो MLL अप्रोच क्या होते हैं यहाँ पर, उसका व्हाट MLL स्टैंड फॉर, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, मिनिमम लेवल ऑफ लिसनिंग, मैक्सिमम लेवल ऑफ लिसनिंग और मैक्सिमम लेवल ऑफ लर्निंग। जो MLL अप्रोच है जो कि चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच है, हम देखें कि यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो कि मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग को ध्यान में दे, फोकस दे, उसके बाद जो अच्छा पढ़ रही है या बहुत सारी चीज़ों को जानने वो चीज़ को छोड़ दे। पहला हमारा अप्रोच ये होना चाहिए कि मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग अगर आप अटेंड करें वो वही एक अलग सा बात है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेवन, एज पर एनसीए 2005 व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू। एनसीए 2005 के हिसाब से यहाँ पर चार स्टेटमेंट है, कौन सी स्टेटमेंट सही है आपको बतानी है। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, चिल्ड्रेन डू नॉट फेल दे इंडिकेट द फेलियर ऑफ द स्कूल। यहाँ पर ये कहा है कि बच्चे जो फेल होते हैं वो खुद फेल नहीं होते, इट क्या इंडिकेट करता है कि इट द फेलियर ऑफ द स्कूल सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी में क्या, चिल्ड्रेन डू नॉट फेल इट इंडिकेट्स द फेलियर ऑफ द करिकुलम। ये चिल्ड्रन फेल नहीं होता है, ये फेल किसका दिखाता है कि करिकुलम के फेलियर है। चिल्ड्रन फेलियर इज टीचर्स फेलियर, चिल्ड्रन फेलियर इंडिकेट मैनेजमेंट फेलियर। तो यहाँ पर जो एनसीएफ, अगर वो प्रीवियस वीडियो आप देखी हो तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी सही आंसर है। तो यू कैन ऑल्सो रिफर टू दिस वीडियो, आई विल सेव द आंसर, चिल्ड्रेन डू नॉट फेल बट इट इज इंडिकेट द फेलियर ऑफ द स्कूल। स्कूल बता दिया गया तो एक टीचर्स के फेलियर को माना जाता है, करिकुलम के फेलियर को माना जाता है, सारी चीज़ का फेलियर को माना, मैनेजमेंट के भी। तो यहाँ पर जो सही आंसर है एनसीएफ की तरफ से वो है चिल्ड्रेन डू नॉट फेल इट इंडिकेट द फेलियर ऑफ द स्कूल। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर एट, माल प्रैक्टिस इन एग्जामिनेशन कैन बी अवॉइडेड बाय कीपिंग इनविजिलेटर्स फ्रॉम, जो हमारे कॉपी करते हैं लोग को, जैसे कि कुछ लेकर आ गए घर से, वहीं क्वेश्चन में आ गए वो हम उतार दें नोट एग्जाम पेपर्स में वो करते हैं, या कुछ पूछ कर लिख देते हैं, या कुछ वही बुक या टेक्स्ट बुक फॉलो करके लिखते हैं एग्जाम में, वो नहीं करना चाहिए क्योंकि वो चीज़ माल प्रैक्टिस कहते हैं। क्योंकि एग्जाम होते हैं क्यों, हम कितने चीज़ याद रखें, कितने चीज़ समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग कितना है, क्लैरिटी कितना है, वो चीज़ को हमको वहाँ पर प्रोड्यूस करनी, अगर हम दिख कर लिख दें वो माल प्रैक्टिस हो गए। तो इस चीज़ को हम कैसे अवॉइड कर सकते, क्योंकि हम कुछ इनविजिलेटर एक्सटर्नल हो, इंटरनल हो, या स्टूडेंट के हिसाब से जो भी हो, वो हम देकर हम वो माल प्रैक्टिस को अवॉइड कर सकते। कौन किस टाइप का एक्सटर्नल होगी तो ये चीज़ अच्छा रहेगा, एक्सटर्नल जो कि हम स्कूल का नहीं है, बाहर का लोग है, इंटरनल स्कूल का हो जो खुद बच्चे जानते हो, या स्टूडेंट उसके भीतर जो इनविजिलेटर। तो ये हर समय देखा जाता है कि अगर कोई बाहर से आ जाती है तो लोगों या चिल्ड्रन बहुत उनको मानते हैं जरूर, ये अगर स्टूडेंट हो वो फ्रेंड की तरह ले जाते हैं, आजेट ले जाते हैं, टीचर्स उनको अनदेखा करके वो कर देती है। तो इसीलिए एक्सटर्नल इनविजिलेटर इज ए गुड ऑप्शन फॉर दैट माल प्रैक्टिस के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नाइन, लर्निंग टेक्स प्लेस कौन सी जगह में या कौन सी प्लेस में लर्निंग्स होते हैं, हम सीखते हैं चीज़ें, स्कूल में, ओनली इन द क्लासरूम, आउटसाइड द स्कूल, ए एंड सी, स्कूल में भी एंड आउटसाइड द स्कूल में भी, जैसे कि घर हो, नेबर हो, प्लेग्राउंड हो, कोई भी जगह में। तो यहाँ पर सबको पता है लर्निंग तो स्टार्ट होती है फैमिली से,
कहाँ पर हम कुछ भी सीख सकते हैं इसके लिए, कोई स्कूल का जहाँ फॉर्मल एजुकेशन के लिए स्कूल चाहिए, स्कूल सेटिंग चाहिए, लेकिन लर्निंग जो प्रोसेस है वो वहाँ कहाँ पर भी हो सकती है, ये स्कूल में हो सकती है, क्लासरूम में भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जो कि लर्निंग कैन टेक प्लेस इन द स्कूल एंड आउटसाइड द स्कूल ऑल्सो, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लर्निंग की बात अगर हम करें। क्वेश्चन नंबर 10, ए टीचर शुड अंडरस्टैंड द चिल्ड्रन विद इन, एक शिक्षक हो या शिक्षयित्री जो भी हो, एक बच्चे को हम किस तरह जाने। ऑप्शंस क्या है हमारे पास, स्कूल कंटेक्स्ट, सोशल कंटेक्स्ट में, सामाजिक व्यवस्था में वो कैसा है उन चीज को जाने, कल्चरल कंटेक्स्ट में, सांस्कृतिक दिग में उनका क्या परिभाषा है, इंटेलेक्चुअल कंसेप्ट में, बौद्धिक स्तर में वो कैसा है, या ऑल ऑफ द अबव। एक टीचर को एक चिल्ड्रन ना सिर्फ एक फॉर्मल एजुकेटर की तरह नहीं देखना है, एक स्कूल को हम क्या कहते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एक मेसिन, फैक्ट्री ऑफ मैनमेड मेसिन्स। तो टीचर मैनमेड मेसिन्स होते हैं, वो बच्चे को या मनुष्य को अच्छे लोगों को बनाती है। तो यहाँ पर एक बच्चे को देखना है, उनका ओवरऑल ग्रोथ करनी है, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, कल्चरल, वैल्यू ओरिएंटेड, तो उन हिसाब से टीचर को सारे चीज को ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए सोशल कंटेक्स्ट, कल्चरल कंटेक्स्ट एंड इंटेलेक्चुअल कंटेक्स्ट सारी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ए टीचर शुड अंडरस्टैंड द चिल्ड्रन विद इन ऑल ओवर द कंटेक्स्ट और एस्पेक्ट ऑफ ए चाइल्ड। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 11, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शुड बी व्यूड एज, जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं, जैसे कि आईसीटी का है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर का यूज का हो, या आप कैलकुलेटर का यूज का हो, या आपकी कोई भी चीज का करो जो कि टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के तरह देखना है, सब्स्टिट्यूट के तरह, अल्टरनेटिव के तरह, नॉन ऑफ द अबव। जो हमारा कंप्यूटर है, प्रोजेक्टर है, जो भी रिलेटेड टू एक टेक्निकल यूज एजुकेशन में हो रही है, उसको हम एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स की तरह देखें, जो कि टीएलएम, तो वो अच्छा रहेगी, एक टीचिंग लर्निंग एड हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 12, ए डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स शुड गेट एडमिशन इन ए नॉर्मल स्कूल। यहाँ पर ऑप्शन है, जैसे कि हमारा एनसीएप 2005 का हो, एनईपी 1986 का हो, एनईपी 2020 का हो, उसी के हिसाब से जो स्पेशल प्रिविलेज इंक्लूजन स्कूल, इंक्लूसिव एजुकेशन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वो स्पेशल एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर एक वीडियो है, वो देख सकते हो आप, अगर आपको अच्छा लगे या चाहते हो कि वो रिलेटेड आपको जानना है। तो यहाँ पर ऑप्शंस में क्या है, विथ स्पेशल केयर एंड अपॉर्चुनिटी, एक डिफरेंट एबल स्कूल बच्चे को हम अगर नॉर्मल स्कूल में एडमिशन दें, किस तरह दें, उच स्पेशल केयर एंड अपॉर्चुनिटी देकर, उच सेपरेट रूम एंड टीचर, सेपरेट रूम दे दे उसको, सेपरेट टीचर एम्प्लॉय कर दें, रिजेक्ट इस, उनको एडमिशन नहीं देना चाहिए, यार अवॉइड देम, हम उनको अवॉइड कर सकते। तो ऑप्शन क्या सही है, एक डिफरेंटली एबल और स्पेशल चाइल्ड अगर हो, उनको हम नॉर्मल स्कूल में एडमिशन दे सकते, जैसे कि उच स्पेशल केयर, उनके लिए जो अपॉर्चुनिटी चाहिए, जो अम्यूनिटीज है उनको प्रोवाइड करें, उसके हिसाब से उनको एक्सेप्ट भी करें। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, विथ स्पेशल केयर एंड अपॉर्चुनिटी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। एंड क्वेश्चन नंबर 13, क्राफ्ट स्टडी इन इट्स इन शुड बी टॉट एज, जो क्राफ्ट स्टडी है हम इसको किस तरह पढ़ाएं, जैसे कि क्लासरूम एक्सरसाइज की तरह, प्रोजेक्ट की तरह, सब्जेक्ट की तरह, या सिलेबस में क्राफ्ट स्टडी हो, पेंटिंग हो, डांसिंग हो, कोई भी को करिकुलर एक्टिविटीज या को करिकुलर चीज़ हो, हम उनको कैसे पढ़ाएं, एक हम उसको एक प्रोजेक्ट के हिसाब से ले सकते हैं, एक साइंस के प्रोजेक्ट हो सकते। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डज एनसीईए 2005 रिकमेंड्स रिगार्डिंग क्वेश्चन पैटर्न, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 होते हैं उनके हिसाब से जो क्वेश्चन पैटर्न है एग्जाम की इवैल्यूएशन की, उनका पैटर्न कैसे होने चाहिए। ऑप्शन है चारों ऑप्शन, जैसे कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होली, सिर्फ शॉर्ट आंसर सब टाइप आंसर होते, जैसे कि एमसीक्यू टाइप का, अबाउट 40% ऑफ द क्वेश्चन शुड बी शॉर्ट टाइप, उनका जो 100 क्वेश्चन हो अगर 40 मार्क्स उनके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्टिव वन 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 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होते हैं, और जो 60% वो होते हैं हमारे सब्जेक्टिव हो सकती है, लॉन्ग आंसर टाइप का होली या नॉन ऑफ द अबव। जो एनसीए 2005 के हिसाब से जो है बच्चे को हल्का करने के लिए, उनका प्रेशर कम करने के लिए वो है, अबाउट 40% ऑफ द क्वेश्चन शुड बी शॉर्ट टाइप, अगर उसे एटलीस्ट 40% मार्क वो सिक्योर कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 15,
टीचर शुड, यहाँ पर ऑप्शन है कि टीचर कैसे होने चाहिए, जैसे कि शुड नॉट लिसन टू चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को सुने नहीं, सुन नहीं सुने वो टीचर, लिसन विद सिंपाथी, सिंपाथेटिकली सुने चिल्ड्रन को या लर्नर्स के प्रॉब्लम को या जो कहते हैं वो, या लिसन केयरफुली विथ अनबायस जजमेंट, उनको केयरफुली सुने कि बच्चे क्या कहते हैं, उसके बाद अनबायस जजमेंट दे, क्या बच्चे अच्छे हो सकते हैं या भूल काम कर सकते हैं, वहाँ पर आप खुद का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, जैसे कि मैंने आज घर में पढ़ाई नहीं की क्योंकि ये प्रॉब्लम थी, हो सकती है वो सच्ची है, हो सकती है वो झूठ हो, तो इसीलिए अनबायस जजमेंट देना, एक बार देख लो क्या कहते हैं, उनको केयरफुली सुनो, बात कर लो, उसके बाद आप कोई भी जजमेंट दे सकती हो। आप जल्द आप कोई भी जजमेंट देते हो कि आपके आप अच्छे नहीं हो या घर वाले अच्छे नहीं है, वैसा मत करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जो कि लिसन केयरफुली एंड हैविंग ए गुड जजमेंट एंड अनबायस जजमेंट। देन क्वेश्चन नंबर 16, एनसीए 2005 गिव्स इम्पोर्टेंस ऑन वेरियस करिकुलर एरिया सच एज, जो एनसीए 2005 है करिकुलर एक्टिविटीज के साथ को करिकुलर एक्टिविटीज को वो भी इम्पोर्टेंस दिया गया है, जैसे कि पेंटिंग का हो, डांस का हो, और भी सारी चीज, उनमें से क्या चीज है, द आर्ट एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, नेशन पीस बिल्डिंग एंड ऑल ऑफ द अबव। जो करिकुलर में हमारा जो बुक्स है वहाँ पर सिर्फ केवल जैसे कि हम इतिहास के भाई पढ़ते हैं या कोई अलग सा चीज, वहाँ पर इस चीज को भी ध्यान में दे, फोकस में दे, करिकुलर में कैसा ये इंक्लूजन हो रही है उसको हम इम्पोर्टेंस दे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन से, तो आर्ट एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया करिकुलम में है, हेल्थ फिजिकल एजुकेशन को भी इम्पोर्टेंस दिया गया, नेशन पीस बिल्डिंग को भी, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आर्ट एंड हेरिटेज भी है, हेल्थ फिजिकल एजुकेशन को भी इम्पोर्टेंस दिया गया है, नेशन बिल्डिंग को भी, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द। क्वेश्चन नंबर 17, द पैराडाइम शिफ्ट इन एजुकेशन इज फ्रॉम टीचर सेंट्रिक टू, जो 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है वो एक शिफ्टिंग है, रिप्लेसमेंट है किस चीज़ का, प्रीवियस एजुकेशनल सिस्टम एंड फ्रेमवर्क की। वो क्या है, एक टीचर सेंट्रिक था प्रीवियस, अगर हम बात करें वो एक टीचर सेंट्रिक था, लेकिन एनसीए 2005 के बाद वो क्या हो गया, लर्नर सेंट्रिक, पेरेंट सेंट्रिक, मैनेजमेंट सेंट्रिक या नॉन ऑफ द अबव। जो पैराडाइम शिफ्ट है वो टीचर सेंट्रिक से लर्नर सेंट्रिक या चिल्ड्रन सेंट्रिक हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर लर्नर्स को पहला रखते हैं, फोकस लर्नर में है, सेंटर पॉइंट में लर्नर है, लेकिन प्रीवियस सिस्टम में क्या थे, टीचर्स को इम्पोर्टेंस देते, टीचर्स सराउंड द चिल्ड्रेन, नहीं यहाँ पर चिल्ड्रन ही फोकस पॉइंट में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, लर्नर सेंट्रिक। देन क्वेश्चन नंबर 18, द साइकोलॉजिकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट्स कैन बी रिमूव थ्रू, अगर कोई साइकोलॉजिकल रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे कि स्ट्रेस का हो, एग्रेसिव एटीट्यूड का हो, मिसअंडरस्टैंडिंग का हो, कोई भी साइकोलॉजी रिलेटेड, मेंटल वेलबींग रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसको हम एक टीचर्स के हिसाब से कैसे दूर करें, रिवार्ड देकर उसको, गाइडेंस एंड काउंसलिंग गाइड करें कैसे वो चीज़ करें कैसे नहीं, काउंसलिंग करें प्रॉब्लम क्या है, डायग्नोसिस करें उस चीज़ का, कंपटीशन थ्रू हम कर सकते हैं, या ऑल ऑफ द, इस सारे तीनों ऑप्शन को हम अप्लाई कर सकते हैं रिमूव साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम रिमूव करने के लिए स्टूडेंट से। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है एनसीएफ की तरह वो है ऑप्शन नंबर बी, गाइडेंस एंड काउंसलिंग के दौरान हम जो साइकोलॉजिकल रिलेटेड, अगर कोई स्टूडेंट बहुत एग्रेसिव हो, क्या प्रॉब्लम है एग्रेसिव एटीट्यूड का, उसका रीजन क्या है, उसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं, कैसे वो एग्रेसिव एटीट्यूड को कंट्रोल कर सके उसके अपनी गुस्सा को, वो चीज़ हम काउंसलिंग एंड गाइडेंस के द्वारा ठीक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 19, हु प्रपोज्ड एनसीएफ एज द मीन्स ऑफ इवॉल्विंग ए नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो होता है इवॉल्विंग है, जो नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, इसने ये कौन सी चीज ये यहाँ पर आ गई है, एनईपी 1986, एनसीटी, एनईपी 2020 और ऑल ऑफ द, यहाँ पर जो प्रपोज किया है एनसीपी को एज ए मीन्स ऑफ इवॉल्विंग नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन वो है हमारी एनईपी, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। इन्होंने प्रपोज किया कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो एक नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन की तरह काम करेंगी, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 20, हुई स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 के हिसाब से, उसके हिसाब से यहाँ पर चारों स्टेटमेंट है, कौन सी स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर ए, कंप्लीटिंग सिलेबस इज इम्पोर्टेंट, हमारे जो सिलेबस प्रपोज किया गया उसको कंप्लीट करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, टीचर सेंट्रिक एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, हम टीचर सेंट्रिक एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दे या प्राधान्य दे, टीचर आर नॉट रिक्वायर्ड इन स्कूल, टीचर स्कूल में कोई आवश्यक नहीं है,
ऑप्शन नंबर डी में है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट इन ए लर्नर सेंट्रिक स्कूल, जो कि हम लर्नर सेंट्रिक स्कूल हो उसमें हम फोकस करें कि एग्जाम को नहीं, सिलेबस कंप्लीटिशन को नहीं, एजुकेशन टीचर सेंट्रिक को नहीं, हम फोकस करें कि कंसेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग कितना क्लैरिटी हो रही है बच्चे का, वो कैसे सीख रहे, कैसे जान रहे, एक लर्नर सेंट्रिक स्कूल में हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जो कि एनसीएफ के हिसाब से सही है स्टेटमेंट। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट टूडेज एमसीक्यूज। आई होप इट विल बी गोइंग टू हेल्प यू मोर एंड मोर। थैंक यू सो मच। प्लीज टू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। होप यू हैव अ ग्रेट डे अहेड। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।